वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। आज इंटरनेशनल बिजनेस में हम टॉपिक लेने जा रहे हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का। तो बहुत सारे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो वर्ल्ड में एनफोर्स हैं, और आज हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 28 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि इसमें जो मेंबर हैं वो 28 मेंबर्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। ये प्राइमरली, जैसे ही नाम बता रहा है, तो ये लोकेटेड है यूरोपियन यूरोप में। एज द नेम सजेस्ट, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में ऑन जनवरी 1, 1995 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। लोकेट करता है ये यूरोप में। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन का मतलब है कि एक ऐसा यूनियन है जहां पर पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप मेंबर स्टेट्स के बीच में बनते हैं। ये बहुत सारी ट्रीटीज से लेकर बना है। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता। बहुत सारी चीजों से लेकर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे कंट्रीज उठी और उन्होंने बोला चलो यूरोपियन यूनियन बना ले, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्टेजेस से ये निकल के आया है, और ये जो लास्ट ट्रीटी थी, दैट इज मास्टर ट्रीटी, वो उसका रिजल्ट है यूरोपियन यूनियन। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही ईयू का जन्म हुआ। तो इसके जो ईयू मेंबर्स थे पहले वो 15 थे, उसके बाद वो 28 मेंबर्स हुए। तो इसकी स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ। जल्दी से एक छोटा सा समझ लेते हैं इसके स्टेजेस। तो यूरोपियन यूनियन जब बन रहा था तो सबसे पहले एक ट्रीटी आई, कोल एंड स्टील ट्रीटी, जो कि आई 1952 में। तो 1952 से ये सिलसिला चालू हुआ जहां पर 6 मेंबर्स कंट्री साथ आए, और उन्होंने 6 मेंबर्स साथ में आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम कोल, स्टील और आयरन ओर का बिजनेस करेंगे, जिसके लिए एक कॉमन मार्केट होगी। और सारे वो 6 मेंबर्स वहां से कोल और स्टील का कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ट्रीटी बनी गई, समझौता बना गया, और उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे कॉमन मार्केट होगी। उसके बाद बात आई 1957 में, जो था ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में आया, जहां पे बात की गई कि यहाँ पर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाए। तो यहाँ पे क्रिएट किया गया यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी। यहाँ पर ये आइडिया था कि जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, पीपल हैं, वो अक्रॉस द यूरोप फ्रीली घूम पाए, मूव कर पाए। कोई भी किसी को भी, मतलब पासपोर्ट या कह सकते हो आप, जैसे हमें कहीं किसी और स्टेट में जाना हो, ठीक है, कोई मतलब अक्रॉस यूरोप अगर हम घूम रहे हैं, तो एक ऐसी ट्रीटी बनी कि लोग आराम से मूव कर सकते हैं किसी भी स्टेट्स में यूरोप में, उनके जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सब मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो यहाँ पे ये ऐसी कम्युनिटी बनाई गई। उसके बाद आया यूरोपियन कम्युनिटी 1967 में। यहाँ पर एक्चुअली में इन दोनों का मर्जर हुआ। तो यहाँ पर जो कोल एंड स्टील ट्रीटी थी, उसके साथ साथ ट्रीटी ऑफ रोम को क्लब किया गया, जिसमें एक एडिशन हुआ जो था यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का। तो इन तीनों कम्युनिटीज और ट्रीटीज को मिलाकर हमारा यूरोपियन कम्युनिटी बना। यहाँ के बाद आया हमारे पास मास्टर ट्रीटी, जिसका रिजल्ट है यूरोपियन यूनियन। मास्टर ट्रीटी आया 1992 में और यूरोपियन यूनियन बना 1995 में। मास्टर ट्रीटी का मतलब है कि यहाँ पर पूरे यूरोप में सिंगल मार्केट रखी गई, जहाँ पर फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स हुआ, सर्विसेज हुआ, मनी हुआ, पीपल हुआ, मतलब पूरे यूरोप में एक आराम से लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स हो, चाहे उनकी सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाहते हो। तो फुल यूरोप में उनको पूरी तरह आजादी थी। एक एग्रीमेंट इसमें 1995 जब यूरोपियन यूनियन बना, तो एक एग्रीमेंट सबके, सारी कंट्रीज ने, सारी मेंबर स्टेट्स ने बनाया। वो एग्रीमेंट क्या था? वो एग्रीमेंट ये था कि जो भी यूरोप में पूरी तरह फ्रीली घूमना चाहते हैं वो घूम सकते हैं, और उनको सिर्फ एक सिंगल पासपोर्ट चाहिए जो पूरे यूरोप में चलता था,
ठीक है, एक सिंगल पासपोर्ट की आपको जरूरत है। और अभी भी ये जो सैंक्शन एग्रीमेंट है ये 26 कंट्रीज के बीच में है, अभी भी पूरी कंट्रीज, जैसे इसमें मैंने बोला कि 28 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे जो 26 कंट्रीज हैं जो कि इन्होंने ये साइन किया है सैंक्शन एग्रीमेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और बात है कि जो करेंसी है वो यूरो करेंसी है, यूरो करेंसी है जो कि कॉमन करेंसी मानी जाती है यूरोप की। और यहाँ पर ये 19 मेंबर स्टेट्स जो हैं यूनियन के, उन्होंने किया है आउट ऑफ 28, सो 19 आउट ऑफ 28 कॉमन करेंसी के पक्ष में है, ठीक है। और जो सिंगल पासपोर्ट है उसमें 26 है आउट ऑफ 28, तो अभी भी पूरे नहीं है, मतलब पूरे अभी मेंबर स्टेट्स नहीं है, ठीक है। सो ऐसा हुआ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब हम सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में जाते हैं। तो सेकेंड जो रीजनल एग्रीमेंट है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको प्रॉपरली नोन एज नाफ्टा। सो नाफ्टा हमारा 1994 में आया था और ये थ्री कंट्रीज के बीच में एक यूनियन था, एक एग्रीमेंट था कि यहाँ पर ऐसा बोला गया कि इन तीन कंट्रीज में जो ट्रेड होगा वो फ्री होगा। फ्री ट्रेड का मतलब है कि जो यहाँ पर टैरिफ होते हैं, जो बैरियर्स लगाए जाते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। तो इन थ्री कंट्रीज में ट्रेड को एनकरेज किया गया, ठीक है। और वो क्या थे उसमें हम पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब तो समझ आ गया, ठीक है। तो इसमें ये जो फ्री ट्रेड एरिया था ट्रेड का, कि भाई इन इन एरियाज में फ्री ट्रेड होगा, वो कौन कौन से थे, बिटवीन कैनेडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये तीन ऐसे मेंबर थे, मेंबर हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। 1994 में आया ये, जैसे मैंने बताया। तो जैसे यहाँ पर थ्री स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे थ्री कंट्रीज हैं, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता था। जैसे कि एक एग्रीमेंट हुआ कनाडा और यूएस के बीच, एक एग्रीमेंट हुआ मेक्सिको एंड यूएस के बीच, और एक एग्रीमेंट हुआ कनाडा एंड मेक्सिको के बीच, ठीक है। तो ये दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। जब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको हम नाम बोलते हैं बिलेटरल एग्रीमेंट्स, जब दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो बिलेटरल एग्रीमेंट्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि नाफ्टा थ्री बिलेटरल एग्रीमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि नाफ्टा थ्री बिलेटरल एग्रीमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, कंसिस्ट करता है थ्री बिलेटरल एग्रीमेंट्स। और ये क्यों बना गया नाफ्टा, ताकि एनकरेज किया जाए फ्री ट्रेड को बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज, ओके। ये थी बेसिक बात। ये भी जनवरी 1 में ही आया था, जैसे यूरोपियन यूनियन आया था वो 1995 था, ये 1994 है। यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स है नाफ्टा का वो वॉशिंगटन डीसी में है, ये इम्पोर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए यूएस में। तो ये है नाफ्टा। नाफ्टा की जो बिल्कुल अपडेट बात ये है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अगस्त 27, 2018 में ये अनाउंसमेंट करी कि जो उनका ट्रेड डील है मेक्सिको के साथ, यूएस और मेक्सिको का जो डील है उसको वो थोड़ा न्यू ट्रेड डील करेंगे, मतलब नई डील बनाएंगे जहां पर मेंटेन किया जाएगा फ्री एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, और जहां पर टैरिफ नहीं लगेंगे, यानी कि नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो उनको एलिमिनेट करा जाएगा। तो यहां पर फोकस करने वाली बात ये है कि उन्होंने न्यू जो ट्रेड डील है वो करने का अनाउंसमेंट करा था, ठीक है, ऑन अगस्त 27, 2018 को। और उस डील में बोला गया कि हम जो एग्रीकल्चर गुड है उसकी ड्यूटी फ्री होंगी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, एंड एज वेल एज एलिमिनेट किया जाएगा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद सितंबर 30, 2018 में एक नई डील बनी गई जिसने नाफ्टा को रिप्लेस किया और वो बना यूएसएमसीए, सॉरी, रिप्लेस्ड नाफ्टा। यूएसएमसीए का मतलब था द यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो अब इसका नाफ्टा रिप्लेस होकर नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, यूएसएमसीए।
जो ये रूल है, जो ये एग्रीमेंट है, कनाडा फर्स्ट है, आई एम सॉरी, मेक्सिको फर्स्ट है जिन्होंने ये एग्रीमेंट ले लिया है, इन्होंने साइन कर लिया है, पास कर दिया है इस एग्रीमेंट को 2000, मेक्सिको ने कर दिया है पास 2019 में ही उन्होंने पास कर दिया था, लेकिन जो कनाडा है वो अभी 2020 में उसको पास करना है. सो यस, दिस इज इट. सो नाफ्टा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूएसएमसीए. सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप अनदर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज यूट्यूब.